إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هرتريكي تعريف उस अल्लाह सल रबालमीन के लिए लायक और जेबा है जो सारे ज़हान का अकेला खालिक है मालिक है हाकिम है राजिक है जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनत का निज़ाम चला रहा है बाद उसके तमाम नबियों रसूलों पर दरुद व सलाम नाजिल हों, खसूसा आखिरी नबी हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आखिरी नबी आखिरी रसूल आखिरी पैगम्बर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए जिनके बाद अब कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन, एक मुसलमान होने के नाते हम सबका अक़ीदा है कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी अल्लाह तबारक तआला फिर से लोगों को ज़िंदा करेगा अवलिन और आखरीन का अज्तम होगा और वहाँ अल्लाह तबारक वाली हिसाब व किताब लेगा किसी पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं होगा और ये हिसाब व किताब एक मैदान में होगा जिसको हम मैदान महशर कहते हैं बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महशर का मैदान अरफात का मैदान इसलिए बहुत सारे लोग जब हज को जाते हैं तो अरफात के मैदान में खूब दुआएं करते हैं अरफात के मैदान में खूब दुआएं करना ये सुन्नत है लेकिन ये अकीदा रखना कि यही महशर का मैदान है ये गलत है बहुत सारे लोगों को मैंने खुद कहते हुए सुना है कि यहाँ यहीं पर मर के हम लोगों को आना है यहीं पर इकट्ठा होना ये गलत है वसल्लम की सही हदीस है कि महशर का मैदान मुल्क शाम में है शाम की सरज़मीन पर लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और महशर वहीं कायम होगा महशर के माने इकट्ठा होने की जगह तमाम के तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक वहाँ पर इकट्ठा करेगा हर एक का हिसाब व किताब होगा और अच्छे लोगों को अल्लाह तबारक ताली इनाम से नवाजेगा बुरे लोगों को अल्लाह सजाएं सुनाएगा सूरज बिल्कुल करीब होगा एक साइंस की तहक़ीक़ के मुताबिक इस वक्त सूरज हमसे 9 करोड़ 90 लाख मील दूर है 9 करोड़ 90 लाख मील दूर है लेकिन रसोल्ला वसलम की हदीस है कि क़्यामत के करीब ये सूरज हमसे सिर्फ़ एक मील के फ़ासले पर होगा उस मील के बारे में भी लोगों का अख्तिलाफ़ है कुछ लोग कहते हैं कि मील से मुराद वो मील है जो हम तय करते हैं डिस्टेंस और कुछ लोगों ने कहा कि मील से मुराद वो सलाई है जो हम आँखों में सुरमा लगाते हैं बहरहाल अगर हम मील मुसाफत वाली मील मान लें तो ये चा ये सूरज हमसे एक मील पर फासले पर होगा और उसकी तपिश और उसकी गर्मी ऐसी होगी मई जून के महीने में किस कदर गर्मी होती है और किस कदर धूप होती है कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है सूरज हमसे एक मील पर फ़ासले पर होगा एक मील की दूरी पर होगा तो उस वक्त गर्मी का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं अल्लाह के नबी ससरम ने फरमाया कि लोग अपने आमाल के एतबार से पसीनों में होंगे किसी का पसीना उसकी एड़ी तक होगा किसी का टखने तक होगा किसी का घुटने तक होगा किसी का कमर तक होगा किसी का गले तक होगा और किसी का पसीना उसके मुंह में आ लगाम लगा होगा और कोई अपने मस, पसीने में डूब रहा होगा तैर रहा होगा उसके आमाल के हिसाब से होगा हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबार व तआला महशर की उस तपिश से उस गर्मी से और उस सख्ती से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए मैदान महशर के मतलब अल्लाह तआला ने कुरानी मजीद में फरमाया कान ना मक़दार ख़मसी उसकी मकदार जो होगी एक दिन का वो पचास हज़ार साल के बराबर होगा हम में से कोई ऐसा नहीं है जो सौ डेढ़ सौ साल तक जिए सौ साल तक पहुंचने के बाद इंसान की हालत क्या होती है लेकिन सौ साल के लिए हमारी तमन्नाएं कितनी है महेश्वर का एक दिन पचास हज़ार साल के मुताबिक होगा जैसा कि अल्लाह के अल्लाह तरह में जम फरमाए का ना मकदारूह खमसी ना सना इसी तरीके से ये महशर का जो दिन होगा ये काफिरों पर बड़े सख्त होगा लेकिन अल्लाह तबारक तआला मोमिनों के साथ एहसान करेगा एक सही हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये पचास हज़ार साल का दिन मोमिन के लिए ऐसे ही होगा जैसे जोहर और असर के दरमियान फ़ासला होता तो ये अल्लाह का एहसान होगा हम इसको इस तरह महसूस कर सकते हैं कि दिन वही रहता है लेकिन जब इंसान मुसीबत और परेशानी में रहता है तो उसका एक एक मिनट एक एक लम्हा कितना मुश्किल से गुज़रता है और उसी दिन में जब इंसान खुश रहता है तो उसका वक्त कैसे गुजर जाता है तो मकदार तो पचास हज़ार साल की होगी लेकिन अल्लाह ताला मोमिनों के ऊपर एहसान करेगा कि उनके लिए ये मकदार बहुत मख्तसर होगी जैसा कि सही हदीस में है अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि जहर और असर के दरमियान जो फ़ासला होता है जो वक्त होता है उसी कदर हो जाएगा इसी तरीके से मैदान महशर में सारे लोग बराहना होंगे अल्लाह के नबी ने सही हदीस में फरमाया कि सारे लोग नंगे पैर होंगे नंगे बदन होंगे बगैर ख़तरे के होंगे हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला तैना ने जब इस हदीस को सुना तो कहा अल्लाह के रसूल मर्द भी औरतें भी कहा हाँ मर्द औरतें और सब लोग बराहना होंगे हजरत आयशा से दीका रजी अल्लाह तारा ने कहा अल्लाह के रसूल खुवा तो शर्म से मर जाएंगी लोगों के बीच में सब लोग बरहाना रहेंगे अल्लाह के नबी ससरों ने फरमाया कि अय आई आयशा उस दिन सख्ती इतनी ज़्यादा होगी हर आदमी को इतनी फिक्र होगी कि कोई किसी की तरफ देखेगा ही नहीं तो सारे लोग बरहाना होंगे लेकिन कोई किसी की तरफ नहीं देखा हर आदमी नफसी नफसी के आलम में होगा उसके बाद अल्लाह तबारक लोगों को लिबास पहनाएगा बुरे लोगों को बुरा लिबास पहनाया जाएगा और अच्छे लोगों को अच्छा लिबास पहनाया जाएगा जितने लोग इस दुनिया में आए हैं तमाम इंसानों में सबसे पहले जिस शख्स को इज़्ज़त का लिबास पहनाया जाएगा या जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा वो अबिया हरत सलाम हजरत इब्राहीम को सबसे पहले इज़्ज़त का लिबास पहनाया जाएगा और जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा एक रवायत से पता चलता है कि जब है इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था तो आपको बरहना कर दिया गया था जलील और रसुआ करने के लिए चंद लोगों के बीच में एक शख्स को बरहना करके रसुआ करने की कोशिश की गई लेकिन अवलिन और आखरीन का अज्तम होगा जहां कोई गैर हाजिर नहीं होगा अल्लाह तबारक सबसे पहले हज़रत इब्राहिम इज्जत का लिबास पहनाएगा तो महशर ये बहुत ही ख़तरनाक दिन होगा काफिरों और मशरकों के लिए लेकिन अल्लाह तबारक मोमिन पर अपने इनायात करेगा इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताली ने फरमाया वजू हुई या उमई जी मुस्फरा राह का तुम मुस्तबशी उस दिन कुछ चेहरे होंगे जो रोशन होंगे चेहरे चमकते हुए होंगे जाहिक तुम मुस्तबशिरा मुस्कुराते हुए होंगे और हशाश व होंगे जाहिर सी बात है कि महशर की वो तपिश और नफसी नफसी का आलम जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया यौम यकूम अर-रूह वल मलाइकातु सफ्फा ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़न लहुर रहमान व क़ाल सवाबा उस दिन की सख्ती ऐसी होगी कि इंसानों की बात तो छोड़िए फरिश्ते लोग सब, सब बंदी के साथ खड़े होंगे जबरीला अमीन भी सब में खड़े होंगे कोई अपनी जुबान खोलने की जुरात और हिम्मत नहीं कर सकेगा सिवाय उस शख्स के जिसको अल्लाह ताला इजाज़त दे और वो सिर्फ दुरुस्त बात कहेगा ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक वाली कुछ लोगों के साथ इनायात करेगा जिसमें मोमिनीन होंगे वजू हुई या उमई मुस्फरा उस दिन कुछ चेहरे होंगे रोशन होंगे ज़ाहिर तुम मुस्तबशिरा हंसते हुए मुस्कुराते हुए और हसाशु बश्स होंगे हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम को उन्हीं लोगों में से बनाए इसी तरीके से जो नेक लोग होंगे अच्छे लोग होंगे मोमिन होंगे अल्लाह तबारक वाली उनके ऊपर से खौफ को दूर कर देगा सुनो अल्लाह के जो अउलिया हैं अल्लाह के जो दोस्त हैं उनको कोई खौफ नहीं होगा कोई गम नहीं होगा आमनु वकानयत खौन अल्लाह के अवलिया कौन है जो ईमान वाले हैं और मुतकी और परहेजगार हैं बहुत सारे लोग नंग धड़ंग घूमने वालों के लिए जुआ खेलने वालों के लिए अफियोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए मुनशियात का इस्तेमाल करने वालों के लिए और हर तरह के अखलाक से गिरे हुए लोगों को लोगों ने वली समझ लिया है अलिया की सिफत अल्लाह ने बयान की अल्लादीन अमनु व कानू ईमान वाले हैं और तकवा अख्तियार करते हैं मालूम यह हुआ कि कोई भी वली उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक कि ईमान के तकाज़ों को ना पूरा करे और कोई भी वली उस वक्त नहीं हो सकता है जब तक कि उसके दिल में तकवा ना पैदा हो विलायत के लिए ईमान और तकवा की जरूरत है अगर ईमान और तकवा पर बहस की जाए तो काफ़ी वक्त लगेगा जो मेरे मौजू से मुतल नहीं है बहरहाल अल्लाह के दोस्तों को कोई खौफ नहीं होगा कोई गम नहीं होगा अल्लाह तआला उनको मामून रखेगा सूरज की तपिश से लोग परेशान होंगे उनको साए की ज़रूरत होगी लेकिन चंद मुआज़ और मुकर्रम लोग होंगे जिनको अल्लाह तबारक अपने अर्श के सए में जगह देगा अल्लाह तबारक उनको उनको साया फराहम करेगा सब ज़िल्ला इल्ला मलाजिल्ल सात किस्म के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताली अपने अर्श के सए में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के सए के अलावा कोई साया नहीं होगा पहला शख्स कौन होगा इमाम इंसाफ करने वाला बादशाह जिसको हुक्मरानी मिली जो किसी पर किसी पर जिम्मेदार बना सरपरस्त बना अपनी रियाया के दरमियान वो इंसाफ करता है इंसाफ जरूरी है वाला यजरीमन न कुमसन अल्लाह अल्ला तू हुआ अकरबोली तकवा किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर मजबूर ना कर दे कि तुम उसके साथ नासाफ़ी करो इंसाफ की बात करो ये तकवा से ज्यादा करीब है अपना हो या पर आया दोस्त हो या दुश्मन मर्द हो या औरत गरीब हो या अमीर हर एक के साथ इंसाफ करनी चाहिए जिस मुल्क में जिस रियासत में जिस शहर में जिस घर में इंसाफ होता है वहां अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं और जहाँ इंसाफ नहीं होता है वो मुल्क वो शहर वो घर बहुत जल्द बर्बाद हो जाता है इसलिए जो भी जिसका जिम्मेदार है अपनी रियाया और अपने मातहतीन के साथ इंसाफ करने की कोशिश करे दूसरा शख्स शख्साफी इबादत ला दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह तबारक तआला अपने अर्श के साए में जगह देगा वो नौजवान होगा जिसने जवानी में इबादत की हो बुढ़ापे में लोग अंगूठे पकड़ करके घुटने पकड़ करके लकड़ी टेक करके मस्जिद में आ जाते हैं लेकिन जवानी में इबादत करना जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है इसलिए कि जब आदमी जवान होता है तो उसकी इबादत भी जवान होती है उसके रुकू और उसके सजदे आज आप देखें बूढ़े लोग ना रुकू कर सकते हैं ना सजदा कर सकते हैं कबल इसके कि तुम उड़ापे की उस उम्र में पहुंच जाओ जवानी में इबादत कर लो जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है वो नौजवान जिसने जवानी में अल्लाह की इबादत की हो अल्लाह अपने अर्श के साय में उसको जगा देगा इसी तरीके से कल्बू रजुल्नफिल मसाजिद वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है वो इंतज़ार करता है कब आजान हो और मस्जिद में पहुँच जाए हमेशा मस्जिद की फिक्र रहती है आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अजान होकर के घरों में घुस जाते हैं अजान सुन करके लोग चाय के होटलों में घुस जाते हैं गपशप में लग जाते हैं मस्जिद में दिल लगा रहना मस्जिद से मोहब्बत करना रजुल्लाफिल मसाजिद चौथा आदमी वो होगा अल्लाह के नवी फरमाया फरमा रजुला في الله आलही व وتفرق عليه जो दो आदमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए मोहब्बत अल्लाह के लिए दुश्मनी आज हमारी और आपकी जो मोहब्बत है सिर्फ अल्लाह के लिए हमारा खूनी रिश्ता नहीं है लेकिन दीन की मोहब्बत है दीन की लगन की वजह से हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ऐसे लोग जो दीन के लिए अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करें और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करें अल्लाह तबारक उनको अपने अर्श के साय में जगह देगा इसी तरीके से वो शख्स

यहां दो बात है वो औरत खुद बुला रही है हसीन और खूबसूरत भी है और ओहदे और मनसब वाली भी है फिर भी अल्लाह का डर और खौफ इंसान के अंदर मेरे भाइयों जवानी रंगीन हुआ करती है ऐसी जवानी में अपने अपने अपने, अपने आप की हिफाजत करना यह अल्लाह को बहुत पसंद है रजुल तलब हुई मरातुल खाफल्ह अपनी जवानी की हिफाजत करो अपने बदन को पाक रखो बेहयाई बेशर्मी अल्लाह को पसंद नहीं है जिन्होंने अपनी इस्मत और इफ्फ की हिफाजत की अल्लाह तबारक वाली उनको अपने अर्श के साय में जगा देगा चाहे वह मर्द हों या औरतें अपनी इसमत और इफ्फ की हिफाजत करना जरूरी है इसी तरीके से एक वो शख्स रजुल तद काफा अख्फा मातफी एक आदमी जिसने अल्लाह के रास्ते में सदका खैरत किया दाहिने हाथ ने क्या दिया है बाएं को मालूम नहीं पड़ा यानी सदका खैरात छुपा कर दिया किसी से तस्करा नहीं किया रियाकारी नहीं की कि। आज कितने लोग हैं सदका खैरात करते हैं लेकिन एक की मदद करते हैं दस को बताते हैं या इसी तरीके से सामने वाले को कमतर समझते हैं रियाकारी दिखावा अल्लाह को पसंद नहीं किसी की मदद करते हैं छुपा कर कर उसकी इज्जत की उसकी इज्जत और उसका अहतराम मलहूज रखें किसी की मदद करके किसी को जलील करना यह अल्लाह को पसंद नहीं तो वह ऐसा शख्स जो किसी को छुपा करके सदका खैरत करता है अल्लाह ताला उसको अपने अर्श के साय में जगह देगा आखिरी शख्स प्यारे नवी ससर ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह को याद किया मन रकल खालीन फफाजतना जिसने तनहाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए मेरे भाइयों, मजलिस में होना बयान सुनना कुरान की तफसीर सुनना नबी की हदीस सुनना जहन्नम और जन्नत के तस्करे सुनना और अपनी आंखों से बहाना यह अलग चीज है लेकिन जब सारी दुनिया सो रही हो तन्हाई में अल्लाह को याद करना अल्लाह के सामने रोना और गिड़ाना और अपने आंखों से बहाना आंखों से आंसू बहाना यह अलग चीज है उस वक्त जो इंसान की कैफियत होती है जो खौफ और जो डर इंसान के दिल में होता है वो अलग होता है तो इसलिए तनहाई में रोने की आदत डालो लोगों के सामने अपनी कमजोरियों का तस्करा करके लोगों के सामने रोना छोड़ दो इसलिए कि लोग रोने वालों को पसंद नहीं करते उस अल्लाह के सामने उस अल-जलाल के सामने आंसू बहाओ जहां आंसुओं की कद्र है जहां जहां आंसू बहा करके इंसान अपने आप को ज, 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 जन्नत का मुस्तक बना सकता है और जहां आंसू बहा करके इंसान अपने ऊपर जलती हुई आग जहन्नम की आग को बुझा सकता है उस रब के सामने रो मन मनज़कर अल्लाह खालीन फफाज जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े तो ये सात लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला कयामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देगा ये खुश नसीब लोग होंगे हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें भी इन लोगों में से बना दे इसी तरीके से मैदान महशर में जो इज्जत पाने वाले होंगे मोहजनीन होंगे जिनको आज समाज और माशरे में कोई हैसियत नहीं दी जाती है जिनको बहुत मामूली और कमतर समझा जाता है कि ये मस्जिदों की सफाई करने वाले अजान देने वाले ये मामूली लोग हैं मेरे भाइयों अल्लाह के नबी ने फरमाया आप ससरमा अलमुअनू ना अतवल्ना से आना करोमलक़्याम क्यामत के दिन जब अल्लाह तला सारे इंसानों को इकट्ठा करेगा अलमुआनू ना अतवल अल्लाह तबारक तआला मौज़िनों की गर्दन लंबी कर देगा यह गर्दन जो है यह गर्दन मौज़िन की गर्दन लंबी हो जाएगी और मादे, मैदाने मैदान के तमाम लोग इस कैफियत को देखने के बाद महसूस करेंगे कि ये लोग मौज़िन थे जो मस्जिदों में अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को पुकारा करते थे कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला यह एजाज मोजन को बख्शेगा जिनको समाज और माशरे में कोई हैसियत नहीं दी जाती जिनको कमतर समझा जाता है यही नहीं अल्लाह के रसूल असलम फरमाते हैं मोहदिन जब अजान देता है तो उसकी अजान की आवाज जहां तक पहुंचती है तमाम के तमाम लोग उसके मुतल शहादत देंगे गवाही देंगे यहां तक कि जमीन के कीड़े मकूड़े जानवर और दरख्त जितने भी लोग जहाँ तक भी उसकी आवाज़ पहुँचती है तमाम के तमाम लोग मोहजिन के ताल्लुक से शहादत और गवाही देंगे मोहजिन का मकाम बहुत ऊंचा है मेरे भाइयों ये हर एक को ये मर्तबा नहीं मिल पाता ये रुतब बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दारो रसन कहाँ मोज्रन का एहतराम कीजिए मोहज्रीन की इज्जत कीजिए अल्लाह तबार को तला क़्यामत के दिन मोहज्रन की गर्दन को लम्बी कर देगा जिससे ये मालूम होगा कि अल्लाह वाले थे मस्जिदों को आबाद करने वाले थे और लोगों को इबादत के लिए बुलाने वाले थे इसी तरीके से जो लोग नमाज़ों का अहतमाम करते हैं सर्दी हो या गर्मी बीमारी हो या सेहतमंदी वज़ू करते हैं ये वज़ू के आजा क़्यामत के दिन चमक रहे होंगे खुश नसीब हैं वो लोग जो नमाजों का अहतमाम करते हैं और वजू का अहतमाम करते हैं साय का इंतजाम हो गया मैंने बताया सात खुश नसीब लोगों को अल्लाह तला अपने अर्श के साए में जगा देगा जब प्यास की शिद्दत से इंसान की हलक सूख रही होगी पानी की जरूरत पड़ेगी प्यारे नबी ससरम फरमाते हैं तमाम अंबिया अपने अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे हर एक को एक हौस दिया जाएगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जो हौज दिया गया है उसका नाम कौसर है मैं अपनी उम्मतियों को हौज कौसर का पानी पिलाऊंगा और मेरे साथ अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक भी होंगे और वहां जो बर्तन होंगे प्याले होंगे आप खोरे होंगे वो आसमान के सितारों से भी ज्यादा होंगे और वो सोने और चांदी के होंगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत के लोग आएंगे मैं उनको पानी पिलाऊंगा अचानक कुछ लोग आएंगे अल्लाह के रसूल रसुल फरमाते हैं जब यह हदीस फरमाई तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल इतने सारे लोग होंगे आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे तो आपने यही हदीस फरमाई थी गुर्रम मुहज्जलीन मिन गुर्र महजलीफरवू उनके वजू के आजा चमक रहे होंगे वजू के आजा चमकना यह इस बात की दलील है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके वजू के आजा चमक रहे होंगे और जो नबी के उम्मती होंगे लेकिन जब कौसर के पास पानी पीने के लिए जाएंगे फरिश्ते उनको ढकेल कर पीछे कर देंगे अल्लाह के नबी ससरम फरमाएंगे आने तो ये मेरे उम्मती हैं वज़ू के आजा चमक रहे हैं ये मेरे उम्मती हैं फरिश्ते कहेंगे कि आए अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि आपके दुनिया से चले आने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था सुन्नतों को छोड़ दिया था बिदातों में गिरफ्तार हो गए थे इन्होंने बिदातों पर अमल करना शुरू कर दिया था अल्लाह के नबी ससम फरमाते हैं सो हुक्न सो हुक्न लेमन गैर आबादी उन लोगों को भगा दो उन लोगों को भगा दो कौसर से जिन्होंने मेरे आने के बाद मेरे दीन को बदल दिया था बिदाती कौसर का जाम नहीं पी सकेगा मेरे भाइयों सुन्नतों पर अमल करो सुन्नतों पर अमल करने से जन्नत मिलती है सुन्नतों को छोड़ने से बिदातों का रिवाज होता है और बिदाती कौसर का जाम नहीं पी सकेगा जाहिर सी बात है वो नमाजी रहेगा जाहिर सी बात है वो वजू करेगा उसके आजा भी चमक रहे होंगे इसीलिए तो अल्लाह के नबी कहेंगे आने तो ये मेरे उम्मती हैं फरिश्तों का ये फरमाना किया अल्लाह के रसूल आपको मालूम नहीं है कि आपके आने के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था इस हदीस से मालूम हुआ कि आप गैब की बात नहीं जानते हैं वरना फरिश्तों को ये बात नहीं कहनी पड़ती कि आपको मालूम नहीं है आपको मालूम होता कि आपके आने के बाद आपकी उम्मत ने क्या किया मेरे भाइयों तो इस तरीके से वजू के आजा चमक रहे होंगे ये अल्लाह तबारक तआला की तरफ से इनाम होगा खुशबख्ती होगी अल्लाह तबारक तआला आदिल और मुनसिफ लोगों को नूर का मेंबर अता करेगा आदिल और मुनसिफ आपको किसी के दरमियान फैसला करना पड़ा कोई जज हुआ अब उसको चाहिए कि लोगों के दरमियान सही फैसला करे रिश्वत लेकर के गलत फैसला कर देना किसी का चेहरा देख करके गलत फैसला कर देना अगर अपना है तो उसके हक में फैसला कर देना अगर दुश्मन है तो उसके खिलाफ फैसला कर देना यह अल्लाह को पसंद नहीं है अदल अल्लाह तबारक वाल ने फरमाया इन अल्लाह अल्लाह बिल अदल अमूरबिलअल हुक्म देता है कि अदल और एहसान का मामला किया जाए हमेशा अदल इंसाफ़ के साथ काम लिया जाए अगर आप हमें से कोई शख्स कोई जज है कोई काजी है लोगों के दरमियान फैसला करता है बहुत अच्छी बात है ये फैसला करने वाले इंसाफ करने वाले क़यामत के दिन नूर के मेबरों पर होंगे लेकिन अगर कोई शख्स इस इस जज का इस कुर्सी का इस कज़ा का गलत फ़ायदा उठाता है और अपने लोगों को देख कर उनके हक में फैसला करता है तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसका अंजाम बहुत बुरा और किसी के फैसला करने से हक ना हक या ना हक हक नहीं हो जाएगा अल्लाह के नबी ससरम की हदीस हमारे जहन में हमेशा रहे आप सस्रम ने फरमाया कि लोगों तुम हमारे पास अपने अपने मामल को लेकर के आते हो और मैं लोगों की बात को सुनता हूं कोई शख्स दलील और चरबजबानी की वजह से मुझ पर गालिब आ जाता है और मैं उसके हक में फैसले कर देता हूं हालांकि वो उसका मुस्तक नहीं होता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि सासन ने फरमाया कि मैं उसको आग का टुकड़ा दे रहा हूं जहन्नम का टुकड़ा दे रहा हूं जो उसको अख्तियार है वो चाहे तो ले और चाहे तो रद्द कर दे नबी के फैसले से भी अगर वो चीज हमारी नहीं है तो हमारी नहीं हो सकती है इसलिए अगर किसी जज ने फैसला कर दिया किसी काजी ने फैसला कर दिया वो चीज़ हमारी नहीं थी तो कोर्ट से फैसला होने के बाद भी वो चीज़ हमारी नहीं हो सकती है तो अदलो इंसाफ के साथ काम करने वाले आदिल और मुनसिफ़ अल्लाह तबार को इनको नूर के मेम्बर अता करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलाम आज़ाद करने वाले पहले ग़ुलामी का दौर था जानवरों की तरह से इंसान को भी खरीदा और बेचा जाता था गुलामी की जिंदगी ये बदतरीन किस्म की ज़िंदगी होती है आदमी को खुद अख्तियारत नहीं रहते लेकिन अल्लाह के नबी ससर ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी गुलाम को खरीदता है और उसको आज़ाद कर देता है तो उस गुलाम को आज़ाद करने की वजह से उसके एक एक अज के बदले में अल्लाह तबारक वाली उस शख्स को आज़ाद कर देगा जिसने ग़ुलाम को आज़ाद किया आज गुलामी का दौर खत्म हो गया लेकिन हमारे बहुत सारे लोग नाजायज मुकदमात में फंसे हुए हैं नाजायज तौर पर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे सिर्फ इसलिए कि उनके चेहरे पर दाढ़ी थी सिर्फ इसलिए कि वो हक बात बोलते थे अगर उनको इसलिए जेल के अंदर कर दिया गया उनकी रिहाई करना उनके लिए कोशिश करना और उनके लिए तदबीर करना और उनको बाहर निकालना यह उम्मत के लिए ज़रूरी है अगर कोई शख्स ये काम करता है तो ये ग़ुला आज़ाद करने के बराबर है। हमें चाहिए कि इस सिलसिले में हम गौर वफ़िक्र करें ताकि महशर के दिन हम खुश नसीब लोगों में से हो सकें इसी तरीके से अल्लाह के नबी ससर ने कयामत के करीब कयामत के दिन मैदान महशर में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक अला हैं अली अखलाक वाले अपने अखलाक़ को बुलंद करो मेरे भाई हर आदमी हम में से बैठा हुआ हर शख्स अपने आप को बहुत अच्छा समझता है लेकिन क्या आप अच्छे हैं हमारी खवातीन हमारी माए और बहनें हर आदमी अपने आप को अच्छा समझता है हर औरत अपने आप को अच्छी समझती अपने आप को अच्छा समझ लेना यह अच्छा ही नहीं है जब तक कि लोग आपको अच्छा ना कहें हमारी जुबान हमारे किरदार हमारे अखलाक हमारी, हमारी, हमारी गुफ्तगू हमारा लेन देन हमारे मामल साफ़ और शफाफ होने चाहिए आला अखलाक के हामिल बनो अल्लाह के नबी ससर फरमाते हैं क़्यामत के दिन महशर के मैदान में मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वह लोग होंगे जो आला अखलाक के हामिल हैं, जिनके अखलाक बहुत अच्छे हैं एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान के आमाल को तोला जाएगा तराजू में तो आमाल के पलड़े में अखलाक सबसे भारी हो जाएगा अमाल के पलड़े में अखलाक सबसे भारी हो जाएगा इसलिए मेरे भाइयों अखलाकमंद बनो वैसे भी सबसे बेहतर मुसलमान वही है जो लोगों के लिए नफा बख्श हम सोचें कि हमसे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है हम सोचें कि हमसे लोगों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है हमारी जुबान से हमारे किरदार से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है किसी को तकलीफ पहुँचाना किसी के लिए मुसीबत खड़ी करना यह अल्लाह को पसंद नहीं है अगर आप किसी को फायदा नहीं पहुँचा सकते हैं तो कम से कम आप ना बनाएं लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं आज के जमाने में यह भी अखलाक है वरना आम तौर पर लोग एक दूसरे पर जुबान दराजी करना एक दूसरे की पकड़ी उछालना इज्जतों के साथ खिलवाड़ करना चार आदमियों के बीच में जलील और रसुवा करना उसकी कोताहियों का तस्करा करना आज ये आम सी बात, बात हो गई है मेरे भाईयों आला अखलाक के हामिल बनो प्यारे नबी ससलम फरमाते हैं महशर के मैदान में मुझसे करीब सबसे ज्यादा वो शख्स होगा जो इसके अखलाक अच्छे हों और मुझसे सबसे ज्यादा दूर वो होगा जो बातूनी होगा बातूनी बहुत ज्यादा बात करने वाला इधर उधर की बातें करने वाला बेदलील गुफ्तगू करने वाला और वो शख्स जो मुतकबिर है मगरूर घमंडी आदमी मुझसे दूर रहेगा मेरे भाइयों आज किसी के पास पैसा हो गया तो अपने आप को बड़ा समझता है किसी को ओहदा और मनसब मिल गया किसी को खातिर में नहीं लाता ये पैसा ये ओहदा ये मनसब ये चंद दिनों के लिए है हमने कितने लोगों को देखा है वो बहुत ऊपर थे जमीन पर आ गए और कितने लोगों को हम जानते हैं जो फुटपाथ की जिंदगी गुजारते थे आज वो महलों में पहुंच गए ये सब आरजी चीजें हैं ये सब आरजी चीजें हैं पैसा पा करके कुर्सी पा करके ओहदा पा करके आदमी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए वो अल्लाह जो सारे इंसानों का मालिक है वो जब चाहता है इंसान को मालदार कर देता है जब चाहता है गरीब कर देता है जब चाहता है होता और मनसब दे देता है जब चाहता है कुर्सी से उतार देता है आपने खुद कितने लोगों को कुर्सियों तक पहुंचते हुए देखा होगा और उतरते हुए भी देखा यह दुनिया का निज़ाम है तिलक लिया मनुदाबलिननास ये सब उदल बदल होता रहता है कोई ऊपर चढ़ता है कोई नीचे आता है फ्र करना गुरूर करना तकबर करना घमंड करना अपने आप को बड़ा समझना ये अल्लाह को पसंद नहीं प्यारे नबी फरमाते हैं कयामत के दिन मशर के मैदान में मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो बातूनी हैं, जो घमंडी हैं इसी तरीके से मुश्किल को दूर कर देना आपका कोई भाई किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है कोई भी मुश्किल उसको उसने कर्ज लिया था कर्ज के नीचे दबा हुआ है आप उसकी मदद कर दिए बीमार हो गया था आपने उसका इलाज करा दिया शादी ब्याह का मौका था आपने उसका ताउन कर दिया कोई भी मुश्किलात को दूर कर देना इतने लोग बैठे हैं अगर हर आदमी ये सोचे कि एक दूसरे के काम आएगा क्या मुसीबतें दूर नहीं होंगी क्या परेशानियां दूर नहीं होंगी हर आदमी को एक दूसरे के काम आना चाहिए अल्लाह के नबी ससरम फरमाते हैं कि कोई भी मुसलमान आदमी अगर किसी मुसलमान की परेशानी को दुनिया में दूर कर दिया तो अल्लाह तबार व तआला कयामत के दिन बड़ी परेशानियों में से उसकी परेशानी को दूर कर देगा हम दुनिया में दूसरों के काम आएंगे अल्लाह हमारे काम आए करो मेहरबानी करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर दुनिया में हम लोगों के काम आएंगे अल्लाह हमारे काम अल अब्द फी आउन आकी अल्लाह ताली अपने बंदे की मदद करता है जब तक कि भाई अपने भाई की मदद करता है अगर हम अपने दूसरे भाई की मदद करेंगे अल्लाह की मदद हमें दुनिया में भी मिलेगी आखरत में भी मिलेगी और अगर हम उसको जलील और रसवा करेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं कयामत के दिन अल्लाह तबारक वाली सारी इंसानियत के सामने हमको जलील और रसवा करेगा दूसरों के आए पर पर्दा डालिए कोई भी इंसान बुराइयों से और खामियों से महफूज नहीं है हम दूसरों की बुराई पर पर्दा डालेंगे कयामत के दिन अल्लाह ताला हमारे बुराइयों पर पर्दा डाल देगा हम दूसरे की बुराई की का जिक्र करेंगे अल्लाह तबार व तआला क़यामत के दिन हमारी बुराइयाँ लोगों के सामने बयान करेगा कोई भी शख्स गुनाहों से पाक नहीं है दूसरों के लिए हम काम करें अल्लाह हमारे लिए मुश्किलात को आसान करेगा इसी तरीके से क़यामत के दिन वो लोग भी खुश नसीब होंगे जो तंग दस्तों के साथ एहसान करते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह तबारक तआला एक शख्स को लाएगा वो शख्स दुनिया में लोगों को कर्ज दिया करता था और कर्ज देने के बाद उसने अपने नौकरों से कह दिया था कि अगर आदमी आसानी के साथ दे तो वसूल कर लेना अगर गरीब और मोहताज है तो उसको माफ कर देना सिर्फ इतनी बात अगर गरीब और मोहताज है तो उसको माफ़ कर देना अल्लाह अल्लाह के के नबी फरमाते हैं क़यामत दिन बारक उस शख्स को लाएगा और कहेगा तूने क्या काम किया है कहेगा अल्लाह मैं कोई बड़ा काम तो नहीं कर सका हूं लेकिन तेरे बंदों के बहुत काम आया हूं तूने मुझे जो दौलत दी थी मैंने लोगों को कर्ज दिया जो दे सका ले लिया जो नहीं दे सका मैंने माफ कर दिया अल्लाह अकबर आज करोड़ों में खेलने वाला अगर किसी की मदद किया है तो पांच हजार दस हजार के लिए उसकी मां बहन की इज्जत रोड पे उतार लेता है मेरे भाइयों सोचो अल्लाह ताला ने आपको करोड़ों दिया है वो दस हजार पांच हजार से आपका क्या बिगड़ने वाला है लेकिन नहीं इंसान अपनी ताकत के नशे में चूर होता है अपनी दौलत का घमंड होता है एक ऐसे शख्स को जो लोगों को कर्ज दिया करता था और उनके साथ सहूलत किया करता था इस एक मामूली नेकी की वजह से अल्लाह तबारक ने उसको माफ कर दिया अल्लाह ने कहा, जो मेरे बंदों के साथ एहसान करता है मैं उसके साथ भी एहसान करता ऐसे लोगों को अल्लाह तबारको तला क्यामत के दिन माफ कर देगा आखिरी बात जो लोग शहीद हुए हैं शहदा का मकाम बहुत ऊंचा है क्यामत के दिन वो हालत शहादत में उठेंगे प्यारे नबी वसल्लम फरमाते हैं कि उनके जिसम से खून बह रहा होगा जिसका रंग तो खून का होगा लेकिन उसकी खुशबू कस्तूरी होगी की खुशबू होगी तो ऐसे लोगों को अल्लाह तबार को तला तमाम लोगों के सामने जाहिर करेगा कि ये लोग हैं जिन्होंने हमारे दीन के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनसे कहा जाएगा तुम अपने खानदान के सत्तर आदमियों की सिफारिश कर सकते हो सहदा का मकाम बहुत ऊंचा है इसी तरीके से वो लोग जो हज और उम्र के लिए निकलते हैं और हालत हराम में उनका इंतकाल हो जाता है प्यारे नबी ससन फ़रमाते हैं कयामत के दिन उठाया जाएगा मुलबियन वो तलबिया पढ़ता हुआ होगा लबैक मबै लब, ला लब, बैक, लब बैक, ला शरीक अल्ला का तो ये वो लोग हैं जिनको महशर में इज़्ज़त से नवाज़ा जाएगा ये इज़्ज़तदार लोग होंगे इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जुमा का मुख्तसर वक्त इस बात का मुतहम नहीं है कि तफसील से गुफ्तू की जाए बहरहाल बहुत सारे लोगों के बारे में हमने गुफ्तु की है हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको भी उन लोगों में से बना दे और हमें चाहिए कि उन लोगों के जैसा अपने आप को बनाने की कोशिश करें अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह व तआला हम तमाम लोगों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाए नबी की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक इनायत फ़रमाए बिदात ख़ुराफ़ा से अल्लाह हम सब की हिफाजत फ़रमाए अल्लाह जब तक दुनिया में रखे इस्लाम पर कायम रखे खातमा हो तो ईमान बिल खैर पर हो रब्बना तो्बल मन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर और आमीन